अब इतना प्यार है तो देख सकते हैं, इतना प्यार है, टैटू भी छपाए हुए हैं, इधर आपको बोल रहे हैं आई लव यू बोल रहे हैं, कभी बोल दीजिए क्या बोल रहे हैं आखिरी अंत में आपको बोलिए। अभी भी बोलेंगे, गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, गुरुजी आपको आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। आपका टैटू छपवा लिए हैं तो बाबा हैं, प्यार कैसे कर लेंगे, तो काहे नहीं कर, बाबा का दिल नहीं है, बाबा के दिल हर जनता का। अच्छा पहले ये बताइए, भगवान जी प्यार नहीं करते हैं? बाबा सन्यासी है ना, वो दिल प्यार नहीं करेंगे, वो तो सन्यासी जो लोगों से प्यार करते हैं। तो सन्यासी है तो सन्यासी बन के हम भी रहना चाहते हैं, नहीं प्यार करते तो ठीक है, मत करे, हम करते हैं ना। और ये बोली कि बाबा से हो गया प्यार, मैंने कहा A1 लड़कों से प्यार करने में धोखा मिलेगा, बाबा से करने बाबा धोखा दे दिए, बाबा कहेंगे कि मेरा जूठा धो दो, बाबा को खाना खिलाना, बाबा के चरणों में सेवा करना। बाबा के बारे में नहीं पता है तो आपको, राम रहीम हो गए, अरे बाबा राम रहीम हो गए, ऐसे हम आपको बहुत सारे बाबा के आपको नाम लेंगे। बात है ना, जैसे वो सेवा टहलाओ, जैसे वो हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं, हम भी साथ में रह के वैसा ही करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। जी जी जी, साथ में रहेंगे सपोर्टिंग में। आप कहाँ से हैं पहले? पटना से। पटना से जी। हिंदू राष्ट्र की मुस्लिम को भगा दीजिएगा क्या? का है, देखिए दिल सबका होता है, हम ये ना कह रहे मुस्लिम अपना जगह पे है, हिंदू अपना जगह पे है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के बारे में वो बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी एक हिंदू हैं। बहुत आदि योगी भी पीठ पे बनवाते हैं, ये आपको मान रहे हैं कि ये प्यार करते हैं, हाँ। है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम शादी भी उन्हीं से करेंगे, नहीं करेंगे तो हम कुमारे रह जाएंगे, हाँ, इस पर तो अच्छी बात है ना। मान लीजिए साल भर किसी मर्द का 2 रुपए का सिंदूर लगा के उसका बिस्तर गर्म करने से अच्छा है ना कि वो मुझे छोड़े, उससे अच्छा कि बाबा के चरणों में चले जाए। इसलिए कि मैं इतना देख रही हूँ वो उसके साथ भाग रहे, मैं देख रही हूँ पार्क में भी इधर उधर चिपका चिपकी, अरे चिपका चिपकी करना है तो माँ बाप के साथ जाओ, सामने शादी कर लो, ये चिपका चिपकी करके समाज बिगाड़ो, फेसबुक पे इस तरीके की गंदी वीडियो बना रहे हो, बच्चों के हाथ में फोन है, कहाँ जा रहा है भविष्य? और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RBN हिंदुस्तान, ऐसे मैं आपको ले गर्ल से मिलाने जा रहा हूँ जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का काफ़ी बड़ी फैन है, टैटू उनके नाम के आपको फोटो का आपको छपाए हुए देख सकते हैं ये हाथ पर इनको, क्या नाम है पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा रेणु रंजना नाम है। रेणु रंजना नाम जी। क्यों आप छपवाए हुए हैं? क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं, इसी वजह से हम इनका टैटू छपवा लिए हैं। तो बाबा हैं, प्यार कैसे कर लेंगे? तो काहे नहीं कर, बाबा का दिल नहीं है, बाबा के दिल हर जनता का। अच्छा पहले ये बताइए, भगवान जी प्यार नहीं करते हैं? बाबा सन्यासी है ना, वो दिल प्यार नहीं करेंगे, वो तो सन्यासी जो लोगों से प्यार करते हैं। तो सन्यासी है तो सन्यासी बन के हम भी रहना चाहते हैं, नहीं प्यार करते, तो ठीक है मत करे, हम करते हैं ना, वो लड़की से करे या ना करे, ऐसा करने से क्या फायदा, जब दोनों तरफ से आपको अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो ऐसा करने से क्या फायदा, फिर भी वो करे या ना करे लेकिन हम करते हैं प्यार उनसे। अच्छा आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता मिश्रा है। अच्छा संगीता मिश्रा, आप ना छपवाए हैं? नहीं, मैं बाबा से प्यार नहीं करती, मैं माँ काली से प्यार करती हूँ, तो मैंने माँ काली का टैटू बनवा लिया। आप माँ काली का हैं? जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक आपको बाबा एक माँ काली के आपको मिल गए हैं, दोनों भक्त काफ़ी बड़ी हैं। पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आपको मैं मिला देता हूँ, पूरी आपको जानकारी ले लेता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं कि हम तो शादी करेंगे लेकिन प्यार प्यार के चक्कर में नहीं रहते, लेकिन मेरा तो प्यार रहेगा। अच्छा आपका प्यार है? जी, हम उन्हीं को सहारे रह जाएंगे, शादी भी नहीं करेंगे ना किसी लड़का से बतियाएंगे। एक तो फिर से इंटरव्यू लेंगे आप, ले लीजिए ना, कर लीजिए, ले लीजिए इंटरव्यू, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, बाबा शादी कर लेंगे तो और अच्छी बात है, घर बस जाएगा उनका भी और इनका भी, नहीं मैं भी जिम्मेदारी से नहीं, ये कह रहे हैं ना कि मतलब कि शादी अपना ही किसी से करिएगा, बाबा के चलते हम नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, फिर से इंटरव्यू करेंगे, ले सकते हैं, तब तक बाबा के पास चला जाएंगे, तब तक बाबा के पास, चाहे चिलिंग के रूप में, चाहे नौकरानी के रूप में, चाहे किसी भी हालत में उनको पास चला जाएंगे, तब वही आके इंटरव्यू लीजिएगा। अच्छा वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाबा के साथ रहकर क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, जैसे वो सेवा टहलाओ, जैसे वो हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं, हम भी साथ में रह के वैसा ही करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। जी जी जी, साथ में रहेंगे सपोर्टिंग में। आप कहाँ से हैं पहले? पटना से। पटना से जी। हिंदू राष्ट्र की मुस्लिम को भगा दीजिएगा क्या? का है, देखिए दिल सबका होता है, हम ये ना कह रहे मुस्लिम अपना जगह पे है, हिंदू अपना जगह पे है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के बारे में वो बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी एक हिंदू हैं, इसी वजह से। तो वो तो बोल रहे हैं कि जो प्यार जो करता है, लव जिहाद है, उनको रोक करते हैं, विरोध करते हैं, प्यार के लिए आप प्यार कर रहे हैं, इसी पे तो हम
फाइन है। अच्छा, इसी पे फाइन है, क्योंकि बाबा हमको पता है बाबा किसी से प्यार कर नहीं सकते हैं, उसी पे हम फाइन है। क्योंकि हर लड़की के देख रहा है कि इंस्टाग्राम से प्यार हो रहा है, फेसबुक से प्यार हो रहा है, तो 6 महीना साल भर के अंदर अंदर में दोनों को छूटा छूटी हो रहा है। अच्छा। हम उनको गुरु की तरह प्यार करते हैं, इसी वजह से हम उनको पास रहेंगे। वो जैसे हिंदू राष्ट्र के एक करते हैं, चाहे तो वो हमको बोलेंगे कि बाबू तुम हमको खाना बना के खिलाओ, चाहे तुम जूठा भी धोवो तो हम धोने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना है आपके, कर दीजिएगा उनको इतना से तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लड़के कुछ भी करे वो सबसे हमको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। वो चाहे कुछ भी करे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको पास हम चेलिन के रूप में रहेंगे, चेला के रूप में, मतलब जी, जी, सेवा सेवेदार के रूप जी, में जी 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 मतलब इतना प्यार है, तो देख सकते हैं इतना प्यार है। टैटू भी छपाए हुए हैं, इधर आपको बोल रहे हैं आई लव यू बोल रहे हैं, कभी बोल दीजिए क्या बोल रहे हैं आखिरी अंत में आपको बोलिए। अभी भी बोलेंगे गुरु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गुरु जी आपको, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। फिर से पटना आएंगे तो मिलिएगा, पटना आए थे मिले थे नहीं मिले थे क्योंकि हम नहीं थे पटना में, पटना में नहीं थे, नजर सांस नहीं रखते। अच्छा, जी पटना में नहीं थे, अथी चल गए थे शूटिंग करने के लिए, राजगीर में थे। अच्छा, ये सब बोल रहे हैं बाबा से प्यार करते हैं, उसके बाद में आपके शादी के लिए आप तो बोल रही हैं कि नहीं करेंगे, मान लिया जाएगा नहीं करेंगे, चेंज हो जाएगा। सुनिए आपकी बात काटते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं, आपने कहा शादी के लिए, एक बात बताइए आज के समय में एक ट्रस्टफुल लड़का खड़ा करिए जो उसका पूरी जिंदगी इसका साथ निभाए, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना तहलका मचा हुआ है प्रेम प्रसंग का, वो उनके साथ चली गई, वो उनके साथ चला गया, नाम लेंगे तो लोग मुझसे कंट्रोवर्सी करेंगे। अच्छा। तो इसने बाबा से प्रेम किया, सब लोग करते हैं, कोई महाकाल से करता है तो उसका टैटू बनवाता है, कोई बहुत आदि योगी भी पीठ पे बनवाते हैं। ये आपको मान रहे हैं कि ये प्यार करते हैं, हाँ। है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम शादी भी उन्हीं से करेंगे, नहीं करेंगे तो हम कुमारे रह जाएंगे, हाँ, इस पर तो अच्छी बात है ना। अच्छा। मान लीजिए साल भर किसी मर्द का ₹2 का सिंदूर लगा के उसका बिस्तर गर्म करने से अच्छा है ना कि वो मुझे छोड़े, उससे अच्छा कि हम बाबा के चरणों में चले जाएं। अच्छा, सिंपल सी बात है। तो मतलब देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि बाबा के चरणों में चल जाएंगे, लेकिन हम जो बिस्तर गर्म करना है ये आपको हम नहीं कर सकते हैं हमारे। और तब ये कुछ दिनों पहले ये मेरे से बोली कि दीदी ये इतना, मतलब ये सारी चीज़ें देख के परेशान हुई, मैं यूपी थी, इसने फ़ोन किया, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने क्या हो गया, कहते मुझे बाबा से प्यार हो गया, उनकी बातों से उनके विचारों से, वो इतना अच्छा बोलते हैं। एक बार बोले थे वो कि गरीब को कोई नहीं बुलाता है अपने घर, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है, तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट वो बातें बोलते हैं जो हम लोग के पर्सनल जीवन में है, है ना। तो उससे वो अट्रैक्ट हो गई, मैं भी अट्रैक्ट हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ, पर मैं बहुत साल पहले ही माँ काली को अपना पूरा जीवन समर्पण कर चुकी हूँ। ठीक, तो ये बोली कि बाबा से हो गया प्यार, मैंने कहा A1 लड़कों से प्यार करने में धोखा मिलेगा, बाबा से करने बाबा धोखा दे दिया, बाबा कहेंगे कि मेरा जूठा धो दो, बाबा को खाना खिलाना, बाबा के चरणों में सेवा करना, बाबा के बारे में नहीं पता है तो आपको राम रहीम हो गए, अरे बाबा राम रहीम हो गए, हम आपको बहुत सारे बाबा के आपको नाम लेंगे। बात है ना, अगर बाबा अच्छे हैं, इतने उनके फैन फॉलोवर हैं, इतनी भीड़ लगती है, प्यार करते हैं, तो हमको भी ट्रस्ट हुआ, अगर बाबा वैसे उठेंगे तो उनके लिए भी आवाज उठेगी। लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही बाबा को आएगा। मैं रियलिटी बताऊं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की कभी रियलिटी सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिस तरीके से वो प्रवचन कहते हैं। और एक बात और बता दें, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है, हाँ बहुत ऐसे नीच टाइप के हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं भी जो करते हैं, लेकिन जो उतने बड़े मंच पे जाके बालाजी का नाम लेके कर रहा, बहुत सारे ऐसे अनुरोधाचार्य जी को दे दीजिए, उनका आया नाम नहीं आया, फिर वो एक कैंसर वाले जो बाबा पीड़ित थे जो मारते हैं त्रिपुण, उनका आया, अरे जो धंधा बना है उसका तो परिणाम जल्दी निकल जाएगा, जो अच्छा है अच्छा है, तभी तो उनके फैन फॉलोवर अभी नौबतपुर में आए थे, तो कितनी भीड़, तोबा मैं खुद देखी थी मोबाइल पे। आप गए थे? नहीं नहीं मैं गई नहीं थी, मैं बलिया थी मैं, हाँ। इसने बोला भी था कि दीदी बाबा आ रहे हैं मिलने चलते हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है बताना कब आ रहे हैं, इतना पसीने में लोग भीड़ मतलब भीग रहे थे, फिर भी बाबा, वो प्यार है, जनता बेवकूफ नहीं है कि उतनी भीड़ लगाएगी, और जनता ये भी जानती है कि बाबा सच्चे हैं, क्योंकि बजरंगबली आज भी धरती पे हैं, और बजरंगबली का नाम लेके कोई अगर इस तरीके का करेगा ना तो उनकी गदा ना पिछवाड़े पड़ेगी ना, तो ठंडा हो जाएगा एकदम, एकदम गदा पिछवाड़े पड़ेगी। ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको भक्त है
बाबा से प्रेम करते हैं, लास्ट में आप क्या बोलिएगा बाबा से बोल के लास्ट वीडियो हम अंत करते बाबा हैं। लास्ट में बाबा आप जल्दी हमको बुलाइए, जल्दी बुलाइए बाबा, आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बाबा, जब तक आप नहीं मिलेंगे जब तक मेरा आई लव यू रहेगा। तो देख सकते हैं काफी ये एकदम पागल हैं और मिलने के लिए बेताब हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से। तो आपको ये वीडियो हर से इतना शेयर कीजिए कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच जाए और ये बच्ची को बुला लें। तब तक के लिए आप देखते रहें आरबीएन हिंदुस्तान।